केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन है उसको लेकर के पहले गृहमंत्री अमित शाह ने जो है कांग्रेस से 10 सवाल पूछे थे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एजेंडे हैं या जो अलग झंडे की बात करती है या पाकिस्तान से बात करने की बात करती है, इस तरीके के सवालों पर जवाब पूछे थे। अब जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के सवाल पूछे। मैं इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो 10 सवाल पूछे हैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और जहां तक गठबंधन का सवाल है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस तो मैं कह सकता हूं कि इनका बेमेल गठबंधन है, कहीं कोई इनका विचार और नीतियां तो मिल नहीं खाते हैं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस तरह की गठबंधन करते हैं। तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए क्या उनका एजेंडा मानने को ये तैयार है, और तैयार है तो बोलना चाहिए। धारा 370 भी है उसमें, वही धारा 370 जब से खत्म हुई है तब से जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, अमन शांति वहां पर आई है। और हम कहा करते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक पर क्या क्या करना पड़ता था। और आज हम कह सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगा फहराया जाता है। मैं भी कई बार कार्यक्रम में जाता हूं, उन कार्यक्रमों में पहले तिरंगा शान से फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान होता है, कार्यक्रम के बाद में फिर से राष्ट्रगान होता है, माने देशभक्ति की तरफ वहां के लोग आगे बढ़े हैं। और आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह का वातावरण बना है, जिस तरह का शांति व्यवस्था का माहौल और आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि अभी लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोगों ने चुनाव में भाग लिया है, मतदान भाग लिया है, तो ये प्रमाण है इस बात का कि हमने इस तरह का माहौल दिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और आज जो पत्थरबाज थे उन्होंने पत्थर छोड़ दिए हैं, अब उनके हाथ में लैपटॉप है, उनके हाथ में किताबें हैं, उनके हाथ में भविष्य की योजनाएं हैं। तो जम्मू कश्मीर लगातार विकास के रास्ते बढ़ रहा है और मुझे लगता है इसका सीधा सीधा असर चुनाव के परिणामों पर पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब कश्मीर का माहौल जो है वो बदल चुका है, लाल चौक पे 11 बजे तक विजिटर्स घूमते हैं, झंडा फहराते हैं, लेकिन वहीं अब जिस तरीके से और भारी मतदान भी हुआ आपकी बार लोकसभा में, लेकिन लोकसभा के चुनाव परिणामों के बावजूद भी क्या ये राजनीतिक पार्टियां जो अभी है पीडीपी की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, क्या उनको क्या उम्मीद नजर आ रही है जो एक गठबंधन करके चल रहे हैं? यहां पर तो ये पीडीपी कह रही है कि हम अगर हमारे एजेंडे पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चले तो हम उनके पीछे चलेंगे और उनको कहेंगे कि वो सारी सीटों पर लड़े, और ऐसे में वो भाजपा के साथ जो गठबंधन किया था उन्होंने शुरुआत में उसकी भी याद दिला रही है। नहीं तो पीडीपी की शर्तों को मानने को तैयार कांग्रेस है तो बोलना चाहिए, और माननीय गृहमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पूछा भी है। और लेकिन ये कांग्रेस है, ये अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं अलग अलग राज्यों में, तो मैं कह सकता हूं ये खुद कंफ्यूज है। और राहुल गांधी जी जिस तरह से अपने बयानों को लगातार बदलते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे तो उसका असर ही पड़ेगा। और माननीय अमित शाह जी ने जो 10 सवाल पूछे हैं उस पर इनको एक एक करके जवाब देना चाहिए। एक मुद्दा जो है वो यूपी से आ रहा है। यूपी में हालांकि लव जिहाद कानून भी जो है वहां मुख्यमंत्री ने बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक कानून भी बनाया, बावजूद उसके कुछ ऐसे किस्से देखने को मिल रहे हैं। एक पति जो है उन्होंने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया सिर्फ कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ। देखिए, लोकतंत्र में हम किसी के लिए मतदान कर सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, और माने प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास, और आज 2014 से लेकर के 24 तक 25 करोड़ लोग जो गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है, अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें स्थान पर और 5वें से 3रे स्थान पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है, तब मैं कह सकता हूं उस महिला ने माने प्रधानमंत्री की तारीफ उनके कार्यों को देखकर की होगी। लेकिन इसको लेकर के तलाक 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 और 3 तलाक देना और ये इस तरह की समस्याएं, इस तरह की अन्याय मुस्लिम महिलाओं के साथ जो होते थे उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया था जो 3 तलाक प्रथा को खत्म करने का। तो मुझे लगता है कि उसके तलाक तलाक करने से तलाक नहीं हो जाता, कोर्ट संज्ञान लेगा, और उन्होंने इस तरह की एक घटना की है तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा।